सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा है और सुनवाई से इनकार किया उनकी याचिका पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए, अपनी बात वहां रखिए, और सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए। सीधा जानकारी लेते हैं हम। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम में, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए आज स्पेशल बेंच जो है वो गठित की गई थी, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच थी। और जैसे ही आज ये बेंच बैठी और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सोरेन के लिए अपनी बात को रखना चाहा, जस्टिस संजीव खन्ना ने तुरंत ये कहा कि हम इस याचिका को सुनने से इनकार करते हैं और आप हाईकोर्ट जाइए। और ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जो हेमंत सोरेन ने जो जिन वकीलों को अपने इस केस की सुनवाई के लिए जिन्होंने तय किया था, उनको ये लग रहा था कि हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है उसको पार करके सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीधी राहत दे सकता है। लेकिन हमारे पास इस बात को लेकर उदाहरण है जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में सीधे सुनवाई से इनकार किया है, चाहे वो मनीष सिसोदिया का मामला हो या संजय सिंह का मामला हो या इससे पहले पी चिदम्बरम जो पूर्व वित्त मंत्री थे, तमाम ऐसे लोगों ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सीधे राहत चाही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पे कहा कि जब यहाँ पर हाई कोर्ट है और वो खुद एक संवैधानिक अदालत है तो आप उस ज्यूरिडिक्शन को पार जाए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, जैसा कि जानकारी गौरव दे रहे थे।